जन्माष्टमी है तो आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। और अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि जन्माष्टमी की तैयारियाँ करनी है। और मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सब सो रहे हैं, नोनी और बच्चे, और मैं उठ गई हूँ। सो गाइस, चाय वाय पी ली है एंड छुट्टी बक्की ने शावर लेके सुबह की ट्यूशन चले गए। मैं जो है इन दोनों बेड्स की, एक हॉल का बेड है और एक ये बेडरूम का, इन दोनों बेड्स की जो है मैं चेंज कर लूँगी बेडशीट और कुशन कवर्स मैं चेंज कर लूँगी। एंड इसके बाद जो है मैं शावर ले लूँगी। शावर लेने के बाद मैं प्रसाद बनाऊँगी जन्माष्टमी का। सुखी बकी ने शावर ले लिया है एंड वो अभी गए हैं ट्यूशन। सुबह जल्दी ही बुला लिया आज उनको क्योंकि छुट्टी है जन्माष्टमी की तो सबको सेलिब्रेट करना रहता है, तो उनको मॉर्निंग में ही आज बुला लिया है। तो वो गए हैं ट्यूशन और इस टाइम का मैं फ़ायदा उठाती हूँ और जल्दी से क्लीनिंग कर लेती हूँ। मैं क्लीनिंग में बस मुझे बेडशीट्स चेंज करनी है और रूम के कुशंस की कुशन कवर चेंज करने हैं, बस क्लीनिंग में मुझे इतना ही करना है और उसके बाद मैं शावर ले लूँगी। अब मैंने शावर ले लिया है एंड मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और इससे पहले मैंने सुखी बकी के लिए दाल चावल बना दिए थे किचन में और जो है मैंने फिर से किचन क्लीन करी है ताकि अब भोग की प्रिपरेशन हो सके। एंड दाल चावल बना दिए थे मैंने, अब सुखी बकी आएंगे तो वो दाल चावल खा लेंगे। किचन मैंने फिर से सारी क्लीन करी है ताकि भोग एकदम शुद्धता से बने। तो चलिए किचन में। एंड यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दी है पंजीरी बनाना, तो इसके लिए मैंने घी में सॉटे कर लिए हैं काजू और इनको घी में फ्राई कर लिया है एक्चुअली मैंने, और बादाम, और मैंने मखाना भी फ्राई कर लिया है। वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, सॉरी, वो ऑन नहीं हुआ था कैमरा। मखाना, बादाम और काजू मैंने घी में कर लिए थे फ्राई, और इसी घी में मैंने थोड़ा सा और घी मिला के, और मैं यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है मैंने और मैं भून रही हूँ। और इस आटे को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है पंजीरी बनाने के लिए। और मैं आपको बता दूँ कि मैं सारी चीज़ें बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में बनाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता है और बहुत दिन तक मैं इतना नहीं बनाती हूँ कि वो बहुत दिन तक पड़ा रहे। अगर कंज्यूम होता है तो फ्रेश मैं बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे आटा जो है भून गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। और यहाँ पे जो तीनों ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई किए थे घी में, मखाना, काजू और बादाम, ये मैं ग्राइंड कर लूँगी इन्हें। और ग्राइंड करने के बाद कुछ इस तरह से इनका फाइन पाउडर बना लेंगे हम। ये बिल्कुल पाउडर बन चुका है काजू, बादाम और मखाने का। अब इसे मैं पंजरी में मिक्स कर दूंगी जिससे वो फ्लेवर जो है इन्हेंस हो जाएगा।
यहाँ पे जो काजू बादाम और मखाने का मैंने पाउडर बनाया है रोस्ट करके, वो मैं पंजीरी में मिक्स कर रही हूँ। और इसके बाद हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें स्वीट ऐड कर देंगे। मैंने मेरे अकॉर्डिंग इसमें मीठा ऐड किया है। मैंने इसमें मिलाया है बूरा चीनी। आप इसमें चीनी को पीस कर या फिर मिश्री को पीस कर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया है नारियल के लड्डू बनाना। तो नारियल के लड्डू बनाने के लिए मैंने नारियल के बुरादे को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया था, और इसमें मैंने दूध मिक्स कर दिया है। और जब तक दूध पूरा नारियल का बुरादा ये एब्जॉर्ब नहीं कर लेता, तब तक हमें चलाना है। और इसके बाद मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग वही बूरा चीनी इसमें डाल दिए हैं, और ये हमारा बनके रेडी हो गया है। अब मैं इनके लड्डू बना रही हूँ, और इसको कोट कर लिया है मैंने सूखे नारियल के बुरादे से, और इस तरह से ये लड्डू जो है रेडी हो गए हैं। और अब मैंने स्टार्ट कर दिया है मखाने का लड्डू बनाना। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है, और इसको मैंने बिना घी बिना ऑयल में मैं मखानों को बस ऐसे ही रोस्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस ये थोड़े क्रिस्पी हो जाए जब तक हमें इन्हें रोस्ट करना है। एंड इसके बाद मैंने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है एक, और थोड़े ठंडे हो गए हैं। इसके बाद मैंने इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लिया है, और इसको कढ़ाई में डाल के इसमें दूध डाल दिया है, और इसमें वही मैंने बूरा चीनी मिक्स करी है, थोड़ा सा कोकोनट पाउडर डाला है इसमें मैंने। एंड इसके बाद हमें इसे चलाते रहना है जब तक कि ये थोड़ा एब्जॉर्ब ना कर ले पूरा दूध। और दूध मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला था, क्योंकि इसमें दूध ज़्यादा डालने से थोड़ा सा मावे जैसा फ्लेवर आ जाता है, थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है, नहीं तो आप दूध कम भी कर सकते हैं। और अब मैं इसको जो है ठंडा होने के लिए प्लेट में रख दूँगी। ठंडे होने के बाद मैंने इनके लड्डू बना लिए हैं, और बादाम से इनको डेकोरेट कर दिया है। और ये मेरे नारियल के लड्डू, मखाने के लड्डू और पंजीरी रेडी है। इन सब में हम तुलसी का पत्ता डाल देंगे, और पंजरी में मैंने डाल दिया है, और बादाम से मैंने पंजरी को डेकोरेट कर दिया है इन तीनों को, और ये अब इस तरीके से दिख रहे हैं। एवरीवन, मैं आ गई हूँ ऊपर, और कान्हा जी की झांकी मैंने सजा ली है, और वो कुछ इस तरह से है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये सिंपल झांकी है, क्योंकि सारा मैंने अकेले ने किया है। और जब आपको पता है, मॉम्स रिलेट कर पाएंगी, जब उनके बच्चे छोटे होते हैं तो और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये सिंपल सी झांकी मैंने डेकोरेट की है, और सिंपल सी मिठाइयाँ बनाई हैं, तो प्लीज़ अप्रिशिएट करिएगा। जन्माष्टमी पे नोनी की लीव नहीं होती है, तो मुझे थोड़ी हेल्प कम मिल पाती है, मीन्स नहीं मिल पाती, क्योंकि आज नोनी की लीव नहीं थी। सो मैंने ही अकेले सारा ये जो भी है किया है, विदाउट एनी हेल्प मैंने ये सारा काम कर लिया है। खैर, इसमें मुझे इंजॉय फील होता है, बट मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि सारी चीज़ें सिंपल है, सो ये सिंपल क्यों है, so that's why। so friends, ये टाइम है इवनिंग का, और अब मैं पूड़ियाँ बनाऊंगी। एंड नोनी ऑफिस से आ गए हैं,
और सुखी पकी अभी रेडी हो रहे हैं, ये सब रेडी हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एंड फिलहाल अभी मैं निकालूँगी पूड़ियाँ और फ्रिज में सजाऊंगी कान्हा जी की थाली। और मैं आपको बता दूं कि हम कान्हा जी का जन्म नहीं करवाते हैं, खाली सिंपल भोग लगा के उनको और खाना खा लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। और बट हाँ, ये हम इवनिंग के टाइम करते हैं, 8, 9 या 10 बजे के करीब, जितना भी होगा मैं आपको इसमें बता दूंगी। रायता भी मैंने रेडी किया था जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। एवरीवन, नोनी ले गए हैं ऊपर कान्हा जी के भोग की थाली और मैं भी चल रही हूँ ऊपर। और सुखी बुक्की भी ऊपर आ चुके हैं, मैं ऊपर जा रही हूँ मंदिर में और अब पूजा करेंगे। कान्हा जी के भोग की थाली कुछ यूं दिख रही है। करेंगे और कान्हा जी को अभी भोग लगाएंगे, उसके बाद हम खाएंगे। और अभी बज गया है आज रात के कितने बजे, 10 बज गए ना, और अभी बज गए होंगे रात के आई थिंक 10 बज गए हैं। और अब हम कान्हा जी को भोग लगाएंगे, लोही दियाबत्ती करेंगे और हम सब भोग लगाएंगे और उसके बाद खाएंगे। यहाँ पर नोनी ने दियाबत्ती कर दी है और अब भोग लगाएंगे भगवान को। अब यहाँ पर भगवान को भोग लगा रहे हैं नोनी। एवरीवन, मैंने चेंज कर लिया है और ये बैंगल्स अभी मैं उतारना भूल गई हूँ, अब चेंज करूँगी इनको भी। और हमने खाना खा लिया है और कान्हा जी आप पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स करे, उनकी कृपा आप सभी पे बनी रहे, यही मेरी विशेस है आप सब।
सो गाइज इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। तब तक के लिए अगर आप सभी को थोड़ा सा भी अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड गुड बाय।